सके। एक दौर ऐसा था जब गंदम या मकई के दाने पीसने के लिए पंचकियों में एक एक हफ्ते तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जब से बिजली से चलने वाले फ्लोर मिल्स का रुझान पैदा हुआ, तब से पंचकियों का काम बहुत ठप हो चुका है, जिसके बाद न सिर्फ पंचकियों से वाबस्ता अफराद का रोजगार खत्म हुआ, बल्कि शहरी हिफ्जाने सेहत के ऐन मुताबिक आटे से भी महरूम हैं। जैसे चक्की का आटा गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले तो बहुत ज्यादा पाई जाती थी, क्योंकि देसी चक्कियाँ ठीक ही नहीं वफर मकदार में देसी चक्कियाँ पाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही ठीक ही नहीं ये रोड बनने के बाद या फ्लोर मिल्स आने के बाद ठीक ही नहीं वो चक्कियाँ ठीक नहीं बंद होने शुरू हो गए। बहुत कम जगहों में, बहुत कम गाँव लेवल पर ठीक नहीं वो चक्कियाँ पाई जाती है। माजी में पंचकियों की कीमत 5 कनाल जरी अराजी के बराबर हुआ करती थी, मगर आज मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद पंचकियां बंद पड़ी है। लोग इन चकियों के आटे की शिद्दत से कमी महसूस कर रहे हैं। पहले जमाने में आटा पीसने का ये वाहिद जरिया था, जो एक इंडस्ट्री की शक्ल में थी। इसके जरिए लोगों को एक तरफ जो है वो रोजगार मिलता था, तो दूसरी जानिब जो है लोगों की हिफ्जान सेहत के लिए भी ये आटा बेहतर हुआ करता था, क्योंकि इस वक्त जो जदीद दौर में जो फ्लोर मिल्स है उसके अंदर 3-4 किस्म का आटा निकाला जाता है, जो कि हजमे के लिए और दीगर जो इंसानी सेहत है उसके लिए मुजिर सेहत करार दिया जा रहा था। तो अभी जो है ये जो हमारी इंडस्ट्री थी ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इन यहाँ पे योजना बनाई गई है, यहाँ तक रोड का एक्सेस नहीं है। नहीं होने की वजह से लोग जो है कंधों पे उठा के इधर लाने में वो उनको तकलीफ होती है, तो वो यहाँ नहीं आते और वो अपना आटा जो है वो फ्लोर मिल्स को देते हैं, तो उनको जो है वहाँ से मयारी आटा दस्तियाब नहीं होता है। पंचकियों को फाल करके न सिर्फ इस सनत से वाबस्ता अफराद को रोजगार फराहम किया जा सकता है, बल्कि लोगों तक साफ सुथरा और हिफ्जाने सेहत से भरपूर आटा फराहम करके कई बीमारियों से निजात भी दिलाया जा सकता है।